सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं इस प्रोग्राम में फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा के साथ। दर्शकों, हमें बहुत खुशी होती है कि इस प्रोग्राम में हम इनके साथ रूबरू होते हैं, क्योंकि इनके साथ बैठकर, इनके साथ बातचीत करके, इनका ज्ञान लेकर हमें सिर्फ ग्रहों के बारे में ही पता नहीं चलता बल्कि जिंदगी जीने के और तरीकों के बारे में भी पता चलता है। अगर हम अपने पुराने इतिहास पर नज़र डालें तो उन सब की जिंदगी में कोई ना कोई नियम बने हुए थे। रोज़ सुबह उठकर ऐसा करना है, औरतों के अलग नियम होते थे, मर्दों के अलग नियम होते थे। और हमने देखा है कि उस ज़माने में बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी सेहत भी अच्छी रहती थी और ज़िंदगी भी काफ़ी लंबी रहती थी। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हाईटेक होता जा रहा है, वैसे वैसे उम्र जो है वो कम होती जा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानते नहीं, उनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में या ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं वो आजकल के अकॉर्डिंगली सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन बातों को अगर आप आज भी मानते हैं, अगर आज भी आप फॉलो करें तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं। सो आज थोड़ा सा इन बातों पर ज्ञान लेने के लिए हम हाजिर हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा के साथ। जी प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपने आज तक हमें बहुत सी बातें बोली है, बहुत सा ज्ञान दिया है हमारे ग्रहों के बारे में, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन सा ग्रह एक पूजनीय ग्रह होता है या बड़ा ग्रह होता है, या कौन से छोटे ग्रह होते हैं या दुष्ट ग्रह होते हैं। लेकिन इन ग्रहों की दुनिया में कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो उलझ कर ना रह जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो, अगर नई पीढ़ी की मैं बात करूं, न्यू जनरेशन की बात करूं, तो जो ग्रंथों में बातें लिखी हैं न्यू जनरेशन कहती है आज के अकॉर्डिंगली सही नहीं है, या आज के समय के आधार पर अगर हम देखें तो ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। आप क्या कहेंगे नए जनरेशन को जो एस्ट्रोलॉजी से या इन में जो बातें लिखी हैं उनसे भागते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं? शवि जी, मैं आपको 100 साल पीछे लेके जाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 100 साल तक, क्योंकि 100 साल ज़्यादा पीछे लेके जाऊँगे तो लोग बोलेंगे ऐसी चीज़ें होती नहीं थी। 100 साल पीछे इसलिए क्योंकि 100 साल अभी ही आपके बुज़ुर्ग अभी आपके घर में ही होंगे, आपको जो बताएंगे। शवि जी, पहले लोग क्या किया करते थे, जो हमारा गुरुद्वारा मंदिर हुआ करते थे वो गाँव से बाहर होते थे, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो गुरुजन थे बहुत समझदार हुआ करते थे। वो कहते थे कि जब भी आप भगवान का नाम चलते हुए जाओगे और खाली पेट चलोगे, उससे बीमारियों का छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में भगवान का नाम दिल से लेते हुए जाओगे, और गांव से दूर ही क्यों, क्योंकि इससे आपकी वर्जिश होती थी, वर्जिश होने के बाद फिर हम तंदुरुस्त रहते थे। और आपको पता था कि पहले इतनी बीमारियाँ नहीं होती थी, आज ही क्यों इतनी बीमारियां चली हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, घर में ही गुरु मंदिर बना के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े घर में मैंने कई दफ़ा देखा है, मूर्तियां घर में रखी हुई हैं और डेली ज्योत जलाते हैं, घर में ही सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोगों ने, जितने लोगों ने बड़े बड़े मंदिर घर में बना के रखे हुए हैं, और वही सबसे ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि पालना धर्म की हम कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा विचार होता है जब कभी हम घर में रखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं। क्या आप जब भी बड़े बड़े ग्रंथ घर में रखते हो, क्या आप सुबह उनको चाय नाश्ता भोग लगवाते हो, सुबह जब आप जोत जलाते हो, जब कुछ भी भगवान का नाम लेते हो, कुछ भी खाने से पहले पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, ऐसा करते हो?
फिर हम कहते हैं हम दुखी रह गए, फिर क्या करते हैं। आज कई दफ़ा तो मैंने ऐसे देखा है जिन लोगों के घर में मंदिर या बना रखा है, बड़ा बना रखा है, उसके साथ ही किचन होती है और साथ में तड़के लगते हैं किसी चीज़ के और साथ में भगवान का नाम, ये भी गलत होता है। क्योंकि अगर आप भगवान की जगह घर में बनाना, पहली बात तो मैं इनकारता हूँ इन चीज़ों को घर में नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि जो गुरुद्वारे मंदिर हमारे बने हुए हैं वहाँ जाकर जोत जलाइए, वहाँ जाकर बैठिए, वहाँ जाकर भगवान का नाम लेना चाहिए अगर अच्छे ढंग से लेना चाहते हो तो। अगर हम कहते हैं कि घर में बैठ के जब चला नहीं जाता, हम घर में ही बैठते हैं, तो घर में पवित्र, सबसे पवित्र स्थान होता है छत, क्योंकि छत के ऊपर बना के रखिए, क्योंकि उसके साथ कोई अपना कमरा नहीं होना चाहिए, उसके साथ किचन नहीं होना चाहिए, कोई बाथरूम नहीं होना चाहिए, पवित्र स्थान छत के ऊपर बनवाइए, वहाँ पर बना के, वो भी बहुत विधियाँ होती हैं। तो शवि जी, लोगों को पता नहीं है, वो क्या करते हैं फिर सबसे ज़्यादा ये घर में रख लेते हैं, फिर बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कई दफ़ा मैंने बड़े लोगों को बोलता हूँ, सबको यही बताता हूँ भी घर में घी की जोलत नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि जो घी शुक्र है वो शुक्राचार्य का है। शुक्राचार्य जी जो कहते हैं मुर्दे बंदे को भी जिंदा कर देते हैं। जो हमारा घर होता है वो शुक्र का होता है और उसी शुक्र को हम घर में जलाते हैं तो क्या होता है, हमारी खुशियाँ कम हो जाती हैं। लेकिन कई दफ़ा मैंने लोगों को बोला है घर में घी की जोत नहीं जलनी चाहिए, घी की जोत हमेशा गुरु के द्वार में जलनी चाहिए। जो हमारे गुरुद्वारा बने हैं, मंदिर बने हैं, गुरु के आगे शुक्राचार्य को जलाना चाहिए, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा गुरु, क्योंकि वो भी कम नहीं है, देवताओं का गुरु है, और जो शुक्राचार्य वो भी कम नहीं है, वो राक्षसों का गुरु है। इसलिए गुरुद्वारा मंदिर में जला सकते हैं, ना कि अपने घर में। लेकिन प्रोफेसर साहब, या माफ़ कीजिए, यहीं मैं आपको रोकना चाहूँगी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं, रोज़ जोत जलाते हैं, हम भी, मैं भी शायद उन्हीं में से एक होंगी, और जब नवरात्रों के दिन आते हैं, देवी माँ के दिन आते हैं, तो हम तब भी रोज़ पूजा करते हैं, उनकी पाठ करते हैं, रोज़ जोत जलाते हैं, तो क्या ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए? क्या आप ये कहेंगे कि ये सब चीज़ें करना गलत है? शवि जी, आपने पूछा कि हम घर में जोत जलाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा करना चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, क्योंकि भगवान का, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा है कि 12 राशि और 7 ग्रह एक 84 का चक्कर है, और उससे दूर करने के लिए राहु और केतु को बीच में डाला है, 12 राशि 9 ग्रह माला पूरी होती है, भगवान का नाम कम से कम 108 बार लेना चाहिए। लेकिन शवि जी, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो हम नहीं जानते। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जोत की जो प्रतिमा चालू हुई थी, जो हमारे गुरुओं ने या ऋषियों मुनियों ने स्टार्टिंग जब जोत की चली थी, तब घी नहीं हुआ करते थे, तब लोगों को घी निकालना नहीं आता था। ये आज से 2-4 हज़ार साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब ऋषियों ने जोत जलाई कपूर से, तो लोगों को दिखाया कि ऐसे जोत होती है जो हमारे भीतर जलती है, ऐसे जोत को अपने भीतर जलाइए। हम क्या करते हैं, कुछ कहते हैं, जब स्टूडेंट होते हैं, कुछ नेगेटिविटी वाले स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, जैसे कि उन्होंने देख लिया घर में जोत जलाएंगे, वो उन्होंने घर में जोत जलानी शुरू कर दी, ना कि उन्होंने बोला था अपने भीतर जोत जलाएं। जो आपके भीतर जोत जलती है, यहाँ पर हमारे आत्मा राम जी की हड्डी है, वहाँ जोत जलती है, जो आपको जीवन दान देती है उसको देखिए, आँखें बंद कीजिए, समाधि पर बैठे उस जोत को देखिए, वो जोत जलाएं। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, घर में ही जोत जलानी शुरू कर दी। अब इन्होंने पूछा कि जब नवरात्रे आते हैं तो हम जोत ना जलाएं। मैं आपको सबको ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न बताने वाला हूं। आपको शवि जी पता है, जब दिवाली आती है तो दीप माला करते हैं, सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है? सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि तब मौसम चेंज होता है, तब छोटी छोटी मच्छरी जो होती है वो पैदा होती है सैलाब से, तो उससे क्या होता है, वो जिसको काटती है बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। जब वो सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं तो वो मच्छरी का अंत होता है, वो ख़त्म हो जाती है, तब उससे लाभ होता है इंसानों को। लेकिन इन बातें, ये साइंटिफिक रीज़न बताया मैंने आपको, लेकिन हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने घी के दिए जलाने शुरू कर दिए। घी जो होता है शुक्र होता है, ये सिर्फ धार्मिक स्थान पे जलने चाहिए, घर पे घी की जोत नहीं जलने चाहिए। अगर घर में जोत जलाना चाहते हो तो तिलों के तेल की, तिलों का तेल ही क्यों, क्योंकि जो तिल माने गए हैं ये राहु और केतु के माने गए, इनको जलाना चाहिए, ताकि इनको जलाओगे तो आपके घर में शुक्र आए। लेकिन रुई को भी नहीं जलाना चाहिए, रुई जो होती है वो भी शुक्र ग्रह होती है, जो मोली होती है मंगल होती है वो आग होती है, मोली से घी के तेल की बजाय आप जो कहते हैं दूसरा तिलों का तेल,
तिलों के तेल की जोत जला सकते हो अगर अखंड जोत जलाना चाहते हो, लेकिन अगर आप जोत नहीं छोड़ सकते तो तिलों के तेल की जलाइए, वो भी मैं ये भी यहाँ पे बोलूँगा अखंड जोत भी नहीं जलनी चाहिए। अगर जोत जलानी है जब आप भगवान का नाम लेते हो तो सिर्फ जितनी देर आपने बैठना उतनी देर ही, बस उतना सा तेल डालिए और उतनी देर ही बैठिए। लेकिन जो घी का दिया अगर जलाना चाहते हो तो गुरुद्वारा या मंदिर में जाके भगवान के सामने जाके शुक्र को जलाइए, ना कि अपने घर में शुक्र को जलाइए। वरना ऐसे भी होता है कि कई लोग घर में अखंड जो जला लेते हैं, एक तरफ जो जली होती है दूसरी तरफ अपनी जो गतिविधियां घर में करते रहते हैं। कभी बाहर जा रहे हैं कभी अंदर आ रहे हैं, तो एक प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते जोत को, तो उस तरह से एक नकारात्मक जो एक ऊर्जा है वो घर में पैदा हो जाती है। उससे अपनी खुशियां नहीं आती, उससे दुख शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम इतनी बारीकी में कभी नहीं जाते। हम कहते हैं भगवान, चलो जब भी कभी हम घर में पाठ रखवाते हैं, कोई रामायण का पाठ रखवाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान का पाठ रखवाते हैं, तो हम उस कमरे में जाना ही भूल जाते हैं कि हमें सुनना ना पड़ जाए। लेकिन कभी भी ये बहुत बड़ी विधि होती है, जब भगवान हमारे घर में आता है तो सभी परिवार वालों को, परिवार जनों को वहाँ पे बैठना चाहिए जब तक वो पूजा चल रही है, जब तक वो पाठ चल रहा है। ये नहीं कि आप कहीं भी घूमिए, घर में भगवान आपके घर में वो पाठ पढ़ा जा रहा है, आप किधर इधर उधर घूम रहे हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर भगवान को मानना है तो विधि से मानिए, भगवान का नाम लेना है तो विधि से कीजिए। लेकिन मैंने कई दफ़ा देखा है कि घर में बड़े बड़े ग्रंथ रखे होते हैं, हम उसको पढ़ते नहीं, तो उसका क्या होता है, गुरु रूठ जाता है। आपको पता है गुरु हमारे टोटल 12 घरों में से 5 घरों का मालिक गुरु होता है, तो जब कभी गुरु खराब हो जाता है तो कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलती, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहता हूं कि धर्म ग्रंथ अगर घर में रखना चाहते हो तो उसे डेली रोज पढ़ा कीजिए, तो उसे ऐसी जगह पर रखिए कि कोई दीवार साथ में ना हो, ना किचन या ना बाथरूम, ना आपका रूम हो, और हो सके तो छत के ऊपर उसका रूम बनाइए भगवान का, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा पवित्र नाम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुबह सुबह 2 घंटियां मार देते हैं, भगवान का नाम ले लिया, चलो अपने काम जाते, क्योंकि ये ऋषि मुनि हमारे इतने समझदार हुआ करते थे, गांव में भी नहीं गुरुद्वारा मंदिर बनता था, गांव से बाहर बनता था। वो क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर जब पैदल चलोगे तो बीमारियों का नाश तो होगा ही होगा, तो भगवान का नाम लेते हुए जाते थे। ऐसे मैं आपको आज एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। देखिए, जिस घर के पास गुरुद्वारा या मंदिर की दीवार है बिल्कुल पास, वो घर सबसे ज़्यादा दुखी होगा। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, जो भगवान है ना, भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है। जब कभी अनजानी मौत हो जाती है तो उसकी रूहें भटकती हैं, जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं। जब वो हमारे साथ, जैसी ही आपकी सोच होगी वैसी ही एनर्जी आपके साथ रहेगी। अगर आपकी सोच बहुत अच्छी है तो पावर वाली एनर्जी, बहुत अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी तो नेगेटिव लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब भी आप कहीं भगवान के मंदिर जाते हो या भगवान का नाम लेते जाते हो अंदर, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी होती वो कभी अंदर नहीं जाती, वो बाहर जो नजदीक आसपास से घर होते हैं उसके बीच में अंदर घुस जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो आसपास घर होते हैं वो सभी दुखी रहते हैं। जो कहते हैं मंदिर के पास या गुरुद्वारा के पास की दीवार बिल्कुल साथ की दीवार, क्यों? क्योंकि हमारे से वो पवित्रता होती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फिर बाद में हम दुखी हो गए। भगवान बहुत बड़ा दर्जा है, उसको अगर बड़ा दर्जा नहीं दोगे तो कैसे आपको सुख मिलेगा? इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो भी आप घर में कोई चीज लाते हो तो उसकी पूरी पवित्रता होनी चाहिए। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रख लेना चाहिए। हम घर में भगवान को लाते हैं, रखते हैं, अगर हम अपने पवित्र ग्रंथों की बात करें तो वो भी हम घर में रखते हैं, लेकिन हमें उनके लिए एक शुद्धता जो है वो बरतनी चाहिए। हमें एक प्रॉपर तरीके से उनका आदर सत्कार है जो शवि जी लोगों को ये भी नहीं पता कि जो ये जो ग्रंथ है हमारे किस घर के काल का है। दूसरा घर होता है आपका पूरे परिवार का, संचित धन का मालिक गुरु होता है जो आपका भगवान है। पंचम घर होता है औलाद का, औलाद यानी कि आपका वंश वृद्धि, आपकी औलाद, आपकी स्टडी का कारका है गुरु जो आपका भगवान, जिसको भी आप मानते हो। 9 हाउस होता है हमारे भाग्य का, भाग्य उदय का, उसका कारका भी गुरु है।
और आपको ये नहीं पता होगा, 11 हाउस होता है हमारी आय का। जितनी भी हमारी आय आती है, जितना भी पैसा हमारे घर में आता है, ये गुरु ग्रह से ही आता है। देखिए कितने घरों का मालिक गुरु है, और हम गुरु को ही सबसे ज़्यादा खराब करते हैं। क्या? क्योंकि उसकी जब हम शुद्धिकरण नहीं करते, शुद्धिकरण से पाठ नहीं करते, शुद्धिकरण से हम नहाते धोते नहीं, शुद्धिकरण से हम, क्योंकि शुद्धता इंसान गलतियों का पुतला है। इसलिए मैं भी सबको यही बोलता हूँ, अरे भाई मंत्रों का उच्चारण नहीं सही ढंग से कर सकते तो सुना कीजिए। सुनने से ही इंसान सिद्ध पीर नाथ हो जाता है, सुनने से हमारे अंदर गुरु का ज्ञान आता है। इसलिए अगर आप शुद्धिकरण से कोई भी चीज़ नहीं पढ़ सकते तो सुना कीजिए। ये जो गुरु ग्रह होता है, गुरु ग्रह से हमारे सभी वंश वृद्धि, हमारे घर में पैसा, औलाद, संचित धन, हमारा परिवार, ये गुरु ग्रह से ही आता है। और आपको ये भी नहीं पता होगा, ये जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमारे घर में आते हैं, जो उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके घर में गुरु ग्रह बहुत अच्छा होगा, तभी उनका आशीर्वाद मिल रहा है। अगर बुजुर्ग समय से पहले चले जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर का गुरु ग्रह खराब है, इंडिकेशन दे रहा हूँ। और ये गुरु ग्रह को तो ठीक करने के लिए बहुत आसान है, भगवान को मनाना बहुत आसान है, बहुत आसान उपाय होते हैं, वो सब आपको मैं बताता रहता हूँ इसी चैनल के ऊपर। देखते रहिए, आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ हम करते हैं, कैसे सुख आएंगे, कैसे गुरु को उठा देते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, हमारी ही गलतियां होती हैं, हम बाद में हम ही दुखी होते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, अगर आपका कोई भी सवाल है या आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली के अनुसार कोई उपाय लेना चाहते हैं, आप तब भी इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रही है हमारे टीवी स्क्रीन पर। इनके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। मैं बता दूं कि इनका जो ऑफिस है लुधियाना में है, जिस जगह पे जिसका एड्रेस फ्लैश हो रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पर, बता दूं पिछले 20 साल से इनका ऑफिस यहीं पर है। तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये पिछले 20 सालों से लोगों की जो सेवा करते आ रहे हैं, और लोग इनसे काफ़ी खुश भी हैं इनका ज्ञान लेकर और इनके उपाय लेकर। तो आप भी अगर इनसे मिलना चाहते हैं, अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। समस्याओं के बारे में बात कीजिए। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी समस्याएँ हैं जो होती हैं और हम इनसे छुटकारा चाहते हैं। अगर समस्याओं की बात करें प्रोफेसर साहब, गुरु ग्रह की बात चल रही थी, घर में अगर हम पूजा पाठ रखते हैं या ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी अच्छी तरह से उनकी रिस्पेक्ट ना कर सके, उनको एक अच्छी तरह से हम अटेंड ना कर सके, तो किस तरह की परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं? बहुत अच्छा पूछा शवि जी आपने। मैं आपको गुरु ग्रह के बारे में बताता हूँ। जो गुरु ग्रह का हमारा स्थान होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। जब कभी घर में हम नॉर्थ ईस्ट में हम क्या करते हैं, टॉयलेट बना देते हैं। देखिए जिन जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनी है, कैंसर तक की बीमारी, यानी कि लंबी लंबी बीमारी उस घर में आ जाती हैं, और मेडिसिन के जो डब्बे हैं घर में पड़े ही रहते हैं, कभी नहीं जाते। देखिए गुरु ग्रह का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है जगह के ऊपर। अभी मैंने सिर्फ जगह की बात की है। जब आप उसको खराब करते हो, ग्रंथ रख कर उसकी पालना नहीं करते, तो क्या होता है आपकी ज़िंदगी में? अब जगह के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपको जिस जिस घर में ये जगह नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट जहाँ सूर्य निकलता है और पहाड़ वाला पासा हम कहते हैं नॉर्थ, उसके बीच का स्थान होता है गुरु का, पानी का स्थान। और अगर आप घर में वहाँ पर पानी का सोर्स कोई लगाते हो, उस जगह के ऊपर आप ट्यूबवेल वगैरह लगाते हो, उस जगह में सबमर्सिबल लगाते हो, तो वो घर बहुत फलदायक देगा आपको। क्योंकि गुरु पानी में ही ज्ञान, कहते हैं कर्क राशि में ही गुरु उच्च का माना जाता है जी। अब बोलोगे पानी में ये कैसे? अरे भाई ज्ञान उसी के पास ही होता है जो ठंडे दिमाग का हो, जो गर्मी करते हैं, गुस्से से बोलते हैं सबको, उसके पास ज्ञान नहीं होता। इस बड़े बड़े संतों ने भी यही कहा है, अरे भाई फिर तो जो ग्रंथ है गधे के ऊपर लदे हुए हैं। बड़े बड़े हमारे संतों ने भी यही कहा है, बोझ लेकर घूम रहा है। जो ज्ञानी इंसान होगा वो बहुत ठंडे स्वभाव का होगा, उससे पता चलता है ये हम
संत है, फीर फकीर है, पीर है, क्योंकि गुरु ग्रह चार नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं। चार नंबर राशि हमारी पानी की आती है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में जब हम कभी पानी का सोर्सेज बना लेते हैं, वहाँ पे एक टैप सी लगा दीजिए टूटी के पानी की, तो देखिए आपके घर में कितना फ़ायदा होता है। अगर इतना फायदा अगर आपको, तभी पता चलेगा कि गुरु ग्रह इतना बढ़िया होता है। अगर आपने कहीं उस घर रूम बना रखा है नॉर्थ ईस्ट में, तो गुरु का कलर क्या होता है, येलो कलर। येलो कलर के फूल और पॉट रंग रख लीजिए, तो क्या होगा, आपका गुरु ग्रह ठीक हो जाएगा। बहुत से आसान उपाय होते हैं। अरे भाई, भगवान का नाम तो लिया, एक दफ़ा भगवान सामने आ जाए, यही गुरु ग्रह की खासियत होती है। भगवान ये नहीं चाहता कि मेरा नाम लेते रहो, कहता है दिल से एक दफ़ा ही लीजिए। जो गुरु ग्रह होता है हर इंसान का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन 80% इंसानों का गुरु ही खराब होता है, क्योंकि वो गुरु की पालना कर नहीं पाते। घर में जो नॉर्थ ईस्ट है उसको भर के रखते हैं, तो उससे क्या होता है, बीमारियाँ कैसी, कैंसर तक जैसी बीमारियाँ। जो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बना रखा है, अगर नॉर्थ ईस्ट को खुला छोड़ दिया जाए, तो कभी आपके घर में बीमारी तक नहीं आएगी। देखिए गुरु ग्रह की कितनी महिमा है, तो हम इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। जी बिल्कुल दर्शकों, अगर गुरु ग्रह की हम बात करें तो इनको हमें ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप ही कहते हैं कि अगर गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो शुक्र का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, और अगर घर में शुक्र का जो प्रभाव है वो कम हो जाए तो फिर तो सबको ही पता है कि रिलेशनशिप्स जो आपस में वो सही नहीं रहते, तो फिर ऐसी उलझन से हम कैसे जो है निकलेंगे। बिल्कुल, तभी तो शवि जी मैंने बोला कि जो गुरु का स्थान है वो शत के ऊपर ऊपर, उसका दर्जा ऊपर, क्योंकि जो आपका घर होता है वो शुक्र का होता है, जहाँ पे मियाँ बीबी इकट्ठे रहते हैं, जो वंश की वृद्धि होती है, ये कभी गुरु के घर में नहीं, ये शुक्र के घर में होती है। जो जीव पैदा होते हैं, जो मिट्टी है हमारी, ये भी शुक्र है, और जब इसमें बीज डालते हैं तो पौधा उठता है। ऐसे ही आपका घर भी शुक्र है, इससे खुशियाँ आती हैं, गायन बजते हैं, गायन गाते हो, आप हंसते हो, खेलते हो, बच्चों के साथ बातें करते हो, अच्छी बातें, बुरी बातें, सब कुछ, ये शुक्र का घर होता है। तभी तो मैं सबको बोलता हूँ, जो गुरु का स्थान है वो ऊपर होना चाहिए, उसका स्थान अलग बनाना चाहिए। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि आप पवित्र नहीं रख सकते, तो जो हमारे धर्म मंदिर या गुरुद्वारे बने हैं वहाँ जाकर भगवान का नाम लीजिए, वहाँ जाइए। अगर आप नहीं जा सकते तो छत के ऊपर भगवान का, वहाँ अलग पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप पवित्रता रख सको, ताकि गुरु भी आप ठीक रहे और शुक्र नीचे आपका शुक्र भी ठीक रहे। जी बिल्कुल, यानी कि छत के ऊपर जो है, या जिनके जैसे डबल स्टोरीज होती हैं, तो ऊपर वाले रूम में जो है आपको मंदिर बनवा लेना चाहिए अगर आप घर में मंदिर बनाना चाहते हैं। देखिए, हम आपको किसी तरह के भ्रम वहम में या भ्रम में नहीं डालना चाहते, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसको करने का एक सही तरीका होता है, बस वही प्रोफेसर साहब इस शो पर आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी ये कह रहे हैं कि हमने तो ऐसे ही किया है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमारा मंदिर भी ऊपर ही अलग से बना रखा है, फिर भी हमारे लाइफ में काफ़ी परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे अगर जो लोग कुछ फॉलो भी करते हैं इन सब चीज़ों को लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं। वो शवि जी ऐसा है कि जैसे कोई भी ठाकुर जी की मूर्ति रखी है, तो हमने मूर्ति स्थापना तो घर में कर ली, लेकिन उसकी पालना क्या आप कर रहे हो? सुबह आप उठते क्या करते हो, बताइए, चलो आप ही बताइए, सुबह उठते उठते सार ही आप क्या करते हो, नहाते हो, क्या आपने ठाकुर जी को स्नान करवाते हो सुबह? सुबह उठ के आप नए कपड़े डालते हो, क्या आप कपड़े चेंज करते हो रोज़? मैं जो बात ध्यान से बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, ताकि पता चले कितनी गलतियाँ हम करते हैं। फिर आप क्या करते हो, सुबह उठते ही नाश्ता बनाते हो और खाते हो, क्या आप रोज़ नाश्ता बना के भोग लगवाते हो? हम पालना अगर नहीं कर सकते तो घर में नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में अगर इसी बातों की हम पालना करते हैं तो फिर बनाइए। बहुत सी विधियाँ होती हैं भगवान को घर में रखने की, बहुत से हमारे
इसी तरीके से हमारे से गलतियां होती हैं। जब हमसे गलतियां होती हैं तो हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। अरे भाई, यहाँ पे अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके भले के लिए, इससे ना तो मेरा फ़ायदा होने वाला है और ना ही किसी का फ़ायदा, लेकिन होगा तो आपका भला होगा अगर अच्छे ढंग से आप रखोगे। तो मैं यही चाहता हूँ, ये जो मेरा भारत महान है, पहले से सोने की चिड़िया था तो सोने की चिड़िया रहे, ये सबको ज्ञान मिले घर में कि हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, जो हमारे ऋषियों मुनियों गुरुजनों ने बताया गया, क्या हम उसकी पालना करते हैं। बहुत अलग रखना पड़ता है, बहुत सी पवित्रता रखनी पड़ती है, वो हमसे नहीं होती। इसलिए मैं सबको बताता हूँ, भाई हमारे जो धर्म गुरुओं ने मंदिर गुरुद्वारे बनाए, वहाँ जाकर माथा टेकिए, वहाँ जाकर जोत जगाइए, अगर घर में पवित्रता नहीं रख सकते और इससे हम ही दुखी होते हैं, हम ही चारों तरफ भागते हैं, फिर उसके पास हमें आराम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम घर को ठीक ही नहीं करते। जो घर होता है उसी में ही सारे ग्रह होते हैं, जो परिवार होता है उसी में सारे ग्रह होते हैं। परिवार हमारा पिता, पिता हमारा सूर्य, मदर हमारी माता, माता हमारी चंद्र सुख, फिर उसके बाद बेटा, बेटा हमारा केतु, फिर उसके बाद धी, धी जो लड़की होती है, बहन, बुआ, मासी, ये बुध ग्रह, फिर उसके बाद आता है शुक्र, शुक्र आपकी पत्नी, फिर उसके बाद शनिदेव, शनिदेव आपके जो लेबर वाले काम करते हैं, फिर उसके बाद गुरु, गुरु आपके जो बुजुर्ग हैं, सभी ग्रह ही आपके घर में हैं। भाई सबकी सेवा कीजिए, सबके पांव को हाथ लगाकर आशीर्वाद लीजिए, ताकि आप सबके ग्रह ठीक हो जाए और मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े, किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, ताकि घर में ही बैठ के आप सुख में रह सकते हो। यही मैं चाहता हूं कि घर में ही होते हैं सभी उपाय, लेकिन फिर भी जाके पूछना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसीलिए बताने के लिए मैं आपके सामने आता हूँ, ताकि ऐसे कीजिए। जी प्रोफेसर साहब, इसी के साथ साथ आपने जो बुक लिखी है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, तो ये तो सबको पता है कि वो एक कुंडली है, 10 वर्षों का वर्षफल उस किताब में लिखा है, लेकिन क्या उसमें एक जातक को कैसे करना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए, वो इसके बारे में भी लिखा है? बिल्कुल शवि जी, वो लिखा है कि अपने ग्रहों को कैसे ठीक किया जाए। अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो चंद्र और सूर्य ठीक होगा। वो मैंने सभी रिश्तों के बारे में लिखा है, जो मामा, मामी, बुआ, चाची, ताई, वो सब के बारे में लिखा है कि अगर आप उससे रिश्ता तोड़ते हो तो आपका ये ग्रह ठीक होता है, ये ग्रह खराब होता है, ये ग्रह अच्छा होता है, ये ग्रह बुरा होता है, ये नीच होता है, ये उच्च होता है, सब कुछ लिखा है। जीने का ढंग सिखाया गया है उस किताब में। वो जो पर्टिकुलर किताब नहीं, वो आपका जीवन का सार है। हम क्या करते हैं, कुंडली बना के रोल बना के फेंक देते हैं, तो उस रोल, जैसे ही रोल कुंडली बनी होती है वैसे ही आपकी जिंदगी गोल गोल घूमते रहते हो, कभी सक्सेस नहीं मिलती। जो बिल्कुल दर्शकों, शो पर हमने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं ज्ञान की, किस तरह से आपको घर में रहना चाहिए, घर में आप पूजा पाठ करते हैं या अपने पवित्र ग्रंथों को याद करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो किस तरह से आपको बातों को फॉलो करना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, चाहे बच्चों से जुड़ी है, घर बार से जुड़ी है, या आपकी नौकरी या बिजनेस से जुड़ी है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर, एड्रेस लगातार फ्लैश हो रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पर, आप नोट कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला इजाजत लेने का। प्रोफेसर साहब, इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत, फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय। नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका।